कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर सूरत की अदालत आज यानी गुरुवार 20 अप्रैल को सुनवाई करेगी। इससे पहले राहुल गांधी ने कोर्ट में मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी। उधर मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूरत कोर्ट आज इस मामले में राहुल गांधी के पक्ष में फैसला सुना सकती है। आपको बता दें कि बीते महीने सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम से जुड़े एक मामले में कांग्रेस नेता को दोषी पाया था, जिसके बाद राहुल गांधी को 2 साल की अधिकतम सजा सुनाई थी, जिसके बाद राहुल गांधी की संसद की सदस्यता चली गई थी। एप्पल के सीईओ टिम कुक ने बुधवार को दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। पीएम मोदी के साथ मुलाकात की जानकारी टिम कुक ने ट्वीट कर दी। इस दौरान टिम कुक ने कहा कि हम भारत में निवेश के लिए प्रतिबद्ध हैं। बता दें कि एप्पल के सीईओ बुधवार को दिल्ली पहुंचे हैं। गुरुवार को वे साकेत के सिटी मॉल में एप्पल के दूसरे फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले टिम कुक ने मुंबई में पहले एप्पल के फ्लैगशिप स्टोर का उद्घाटन किया था। इस दौरान उद्योग जगत से लेकर बॉलीवुड और खेल जगत के लोगों के साथ उन्होंने मुलाकात की थी। बॉलीवुड स्टार अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय बच्चन की बेटी आराध्या की हेल्थ और लाइफ को लेकर हाल ही में मीडिया में खबर वायरल हो रही थी, जो अब फेक बताई जा रही है। अपनी बेटी के लिए इस तरह की खबरों से नाराज अभिषेक और ऐश्वर्या ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल आराध्या को लेकर जिस YouTube टेबलाइट ने ये खबर फैलाई थी, उसके खिलाफ परिवार ने अब एक्शन लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि जिस भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने ये खबर फैलाई है, उसके खिलाफ कार्रवाई कर उसे रोका जाए, क्योंकि वो माइनर है। साल 2023 का पहला सूर्य ग्रहण सुबह 7:04 पर लग चुका है। इसके अलावा आज का सूर्य ग्रहण बेहद खास है, क्योंकि इस बार का सूर्य ग्रहण 100 साल बाद लग रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हाइब्रिड सूर्य ग्रहण बहुत ही दुर्लभ माना जाता है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण आंशिक, पूर्ण और कुंडलाकार में दिखाई देता है तो उसे हाइब्रिड ग्रहण कहा जाता है। इस दौरान सूर्य ग्रहण में कुछ सेकंड के लिए एक वलय यानी रिंग जैसी आकृति बनती है। इसे अग्नि का वलय या रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है।